शानदार, धमाकेदार, दमदार। जीप की किसी भी एसयूवी पर ये सभी शब्द सटीक बैठते हैं, चाहे कंपस हो या मेरिडियन, रैंगलर हो या फिर ये नया मॉडल। जी हाँ, हम ग्रैंड चिरोकी की बात कर रहे हैं और इंटरेस्टिंगली ये वही एसयूवी है जिसके साथ 2016 में जीप ने इंडिया में प्रवेश किया था। जबकि वो एसयूवी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट थी, ये इंडिया में ही असेंबल होती है। ये अभी स्मार्टर है, बोल्डर है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ भी आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमसे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये एसयूवी फ्लैगशिप टैग के वर्दी है या नहीं। दुनिया भर में ग्रैंड चेरोकी को कई वेरिएंट्स और दो व्हील बेस विकल्पों में पेश किया जाता है, लेकिन भारत में इसका छोटा दो रो वाला मॉडल ही आया है, फीचर्स से भरे अकेले लिमिटेड वेरिएंट में। कम व्हील बेस वाला मॉडल होने के बावजूद भारत आई ग्रैंड चेरोकी तकरीबन 5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी 3 मीटर के आसपास है। अब डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो ये 5th जनरेशन ग्रैंड चेरोकी काफ़ी प्रीमियम और शार्प लगता है। इसका जो फ्रंट सेक्शन है वहाँ पे आपको वही सिग्नेचर 7 स्लॉट ग्रिल मिलता है जिसमें क्रोम डिटेल्स हैं ऑफकोर्स, और दोनों ही साइड पे LED हेडलैम्प्स है जो और शार्प लगते हैं। अभी नीचे की तरफ देखें तो एक नया बम्पर है जिसमें बड़े वेंट्स हैं और बॉटम में क्रोम के और डिटेल्स मिलेंगे। अगर हम साइड की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि SUV का आकार जो है काफ़ी उभर कर आता है, खासकर ये 20 इंच के एलॉय व्हील्स के बदौलत। अंडरबॉडी क्लैडिंग आपको सामने से पीछे की तरफ जाती है पूरे ही SUV में, और यहाँ पे आपको ग्रैंड चेरोकी का बैजिंग भी मिलेगा जो कि पैसेंजर साइड के डोर पे भी अवेलेबल है। रूफ रेल्स भी है यहाँ पे, बट ये एस्थेटिक्स के लिए हैं, लोड बैरर नहीं है, लेकिन आपको क्रोम डिटेल्स हर जगह दिखने को मिलेगा। जीप की एक खासियत है कि उसके सारे SUVs में आपको एक ईस्टर एग मिलता है और इस SUV में भी वो है। आप पीछे के क्वार्टर विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 5 SUVs का सिलोएट दिखेगा जो कि इसके 5th जनरेशन को दिखाता है, और यही है जो जीप की लेगेसी को और उभर कर इस SUV पे दिखाता है। पीछे भी मामला काफी आकर्षक है। पतली रैप अराउंड टेल लैंप्स काफी प्रीमियम लगती हैं और इलेक्ट्रिक टेलगेट की डिजाइन भी बढ़िया है। यहाँ बम्पर पर भारी क्लैडिंग दी गई है और क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल हम जीप ग्रैंड चेरोकी के कैबिन के अंदर बैठे हैं और हमें ज़रूर कहना चाहिए कि अब तक की जो भी SUVs जीप की तरफ से इंडिया में आई हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा हाईटेक और प्रीमियम लगता है। फिट एंड फिनिश की बात करें तो वो टॉप नॉच क्वालिटी का है और यहाँ पे आपको प्रीमियम सा सॉफ्ट टच लेदर इंसर्ट्स मिलता है डैशटॉप पे, डोर पैनल्स पे, और साथ ही साथ ये प्रीमियम वुड फिनिश इंटीरियर जो कि डैशबोर्ड पे दिखेगा और डोर पैनल्स पे भी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, साथ ही साथ टाइप ए और टाइप सी के USB पोर्ट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि पीछे के साइड पे भी मिलेंगे। बट वही नहीं, यहाँ पे एक HDMI पोर्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक पैनारोमिक सनरूफ दिखेगा ऊपर, और सीट्स की बात करें तो ये लेदर सीट्स हैं जिनमें परफोरेटेड इंसर्ट्स भी आते हैं क्योंकि दोनों फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड हैं और ये पावर एडजस्टेबल भी है। बट वही नहीं, ग्रैंड चेरोकी में आपको एक हेडअप डिस्प्ले भी मिलता है और साथ ही साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डिस्प्लेस डैशबोर्ड पर अवेलेबल हैं। पहला तो है ये एक 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही साथ यहाँ पे एक 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जो जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ काफ़ी सारे कनेक्टिविटी स्विच भी मिलेंगे। बट जो तीसरा डिस्प्ले है वो है ये एक पैसेंजर साइड की तरफ पे जो डिस्प्ले है, ये जो आपका को ड्राइवर है उन्हें म्यूज़िक, नेविगेशन और काफ़ी सारे फीचर्स का एक्सेस देगा जो कि वो आराम से यूज़ कर सकते हैं जब आप गाड़ी चला रहे हैं। P
पीछे नी रूम और हेडरूम की कमी नहीं है और यहाँ 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। USB पोर्ट्स और AC वेंट्स के अलावा आपको यहाँ आर्मरेस्ट और विंडो ब्लाइंड्स भी मिल जाएंगे। अन्य फीचर्स में हीटेड पिछली सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर शामिल है। कार में सबवूफर के साथ 9 स्पीकर का अल्पाइन एम्पलीफाइड साउंड सिस्टम भी लगा है। ग्रैंड चेरोकी भारत की पहली जीप SUV है जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स या ADAS के साथ आई है। इन फीचर्स में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और एक्टिव लेन मैनेजमेंट जैसे फीचर्स शामिल हैं। अन्य सुरक्षा फीचर्स में 8 एयरबैग्स, ISOFIX, 360 डिग्री कैमरा, 4 पहियों पर ट्रैक्शन कंट्रोल, एडवांस ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। सभी यात्रियों को 3 पॉइंट सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिले हैं। इंजन की बात करें तो इस ग्रैंड चेरोके में आपको एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि एक 4-सिलेंडर यूनिट है। पावर फिगर्स की बात करें तो आपको 268 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है जो कि 5200 RPM के अराउंड अवेलेबल होता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो वो 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी देती है जो 3000 RPM के अराउंड आता है। 2000 RPM के नीचे आपको एक टर्बो लैग ज़रूर महसूस होगा जो कि टर्बोचार्ज इंजन में काफ़ी कॉमन होता है, बट आप 2000 RPM को क्रॉस करते ही इस इंजन का असली रूप उठकर बाहर आता है। ये काफ़ी एनर्जेटिक हो जाती है, काफ़ी उत्साह मिलता है इसे और ये चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 8 स्पीड का ऑटोमेटिक यूनिट मिलता है जो कि इस डायल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको अगर मैनुअल कंट्रोल्स चाहिए तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है। अगर हम गाड़ी के राइड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट रोड पे जितने भी गड्ढे हैं, अंडुलेशंस है, उसे हैंडल करने में इस SUV को कोई दिक्कत नहीं होती, ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन साउंड इंसुलेशन जो इसका है वो और बेहतर हो सकता था, क्योंकि फिलहाल आप जैसे कि देख सकते हैं सारे विंडोज़ अप है, AC चल रहा है, फिर भी हमें रोड का जो नॉइस है वो थोड़ा अभी भी सुनाई अच्छे से दे रहा है, तो वो एक चीज़ है जो और बेहतर हो सकता है और मुझे लगता है जीप को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, राइड क्वालिटी बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है, आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। जैसा कि हमने पहले कहा था कि 2000 RPM के ऊपर ये काफ़ी अच्छे से चलती है। और इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 4x4 सिस्टम भी मिलता है, स्टैंडर्ड है गाड़ी के साथ। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम इसका 4x4 टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जब हमें गाड़ी के साथ और वक्त मिलेगा हम वो भी ज़रूर करेंगे। SUV को जीप का भरोसेमंद क्वाड्रा ट्रैक 4x4 सिस्टम भी मिला है जिसमें ऑफ रोड कैमरा के साथ सेलेक्ट टेरेन सिस्टम दिया गया है। इसमें 4 मोड्स हैं, स्नो, मड, ऑटो और स्पोर्ट। 77,50,000 रुपए पर नई जीप ग्रैंड चेरोकी की कीमत काफी आकर्षक है। ये 2016 में लॉन्च हुई कार की पिछली पीढ़ी से भी करीब 16 लाख रुपए सस्ती है। इसकी कीमत मुकाबले में खड़ी कुछ लोकप्रिय कारों से भी कम है। नई ग्रैंड चेरोकी ऑडी Q7 से करीब 5,82,000 रुपये सस्ती है और BMW X5 इससे तकरीबन 2.5 लाख रुपये महंगी है। वहीं वॉल्वो XC90 से तुलना करें तो SUV पूरे 18 लाख रुपये सस्ती है। जीप ग्रैंड चेरोकी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ ढेर सारी नई तकनीक और प्रीमियम फीचर्स की पेशकश करती है जिनमें से कई तो सेगमेंट में पहली बार देखे गए हैं। हाँ, कुछ कमियां अभी भी हैं, लेकिन इसकी कीमत कई लोगों को आकर्षित करेगी। तो कहना होगा कि ग्रैंड चेरोकी हर मायने में कंपनी की फ्लैगशिप कहलाने लायक है।